अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसर और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। देखो बेसिकली तौर पे अगर हम बात करते हैं भी लेक्चर की बात करते हैं तो आप ये बात जानते हैं कि लेक्चर में कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा जरूर होगा कि जो है आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ाएगा, किस हवाले से, साइंस के हवाले से, यूनिवर्स के हवाले से, आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि कोई ना कोई एस्पेक्ट आप जरूर जो है उस पर जरा सोचें, ठीक है, और उस पर रिसर्च करें, ठीक है, उससे मतलब कुछ ना कुछ जो है आप डेटा को इकट्ठा करें, ठीक है। सो आज के लेक्चर के अंदर भी कुछ इस तरह की छोटी सी वीडियो हम आपके लिए डिस्प्ले करेंगे जिसमें कि आप लोगों को इस बारे में जो है इंफॉर्म किया जाएगा कि यूनिवर्स जो है इसमें डिफरेंट स्टार्स, ठीक है, वो बनते कैसे हैं और किस तरीके से डिस्ट्रॉय होते हैं, कब डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है, और उनके खत्म होने के बाद क्या पीछे साथ रह जाते हैं, ये तमाम चीजें मैं आप लोगों को डिस्प्ले करूंगा एक वीडियो के थ्रू, ठीक है, एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू, एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आप लोगों से शेयर करूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में जो हमने कल पढ़ा था, यानी यूनिट्स निकाले थे केसी के, केसी एक्सप्रेशन के यूनिट हमने फाइंड आउट किए थे डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए, उनसे ही आगे हम मूव करेंगे। और अब हम 9.1, 9.2, 9.3, ठीक है, ये कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इनको हम वन बाय वन, ठीक है, डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं 9.1 को और 9.1 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से हमने इसको जो है इसका आंसर हमने निकालना है, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इक्विलिब्रियम केसी एक्सप्रेशन की बात करते हैं, सो इट इज द रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ टू थिंग्स, यानी एक हमारे पास बनता है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन दो चीजों की रेशो को हम कहते हैं इट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर। जैसे 1 है, 9.1 हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट देख लें, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय अ रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी, हम रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास होता है, ठीक है, द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशंस आर, अभी हमारे पास कंसेंट्रेशन मेंशन की भी है और हमसे डिमांड किया गया कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, आपसे जो है डिमांड की गई है कि आप केसी वैल्यू को फाइंड आउट कर दें। और आपको क्या कुछ प्रोवाइड किया गया भाई, आपको तमाम के तमाम जो है कंसेंट्रेशन जो है प्रोवाइड की गई है रिएक्टेंट की भी, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है। तो 9.1 हम कर रहे हैं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 9.1, ठीक है जी। तो 9.1 की जहां तक बात है, इसको मैंने आपका डाउन कर दिया, तो हम एक सिंगल बोर्ड में ले आए भाई, ठीक है। अच्छा, सो 9.1 की हमने बात कर ली है, इस वक्त डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको, मैंने आपको इसकी जो स्टेटमेंट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब हमने करना क्या है भाई, अब हमने जो है इसको फर्दर आगे ले चलते हुए कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा देखो क्या डाटा प्रोवाइड किया है, देखो जब भी आपने किसी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आप सबसे पहले तो गिवन डाटा जो आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रही होती है वो मेंशन करते हैं, और वो मेंशन करने के बाद फिर आप राइट करते हैं कि भाई क्या आपसे डिमांड की गई है, ठीक है, क्या जो है आपसे क्या किया गया डिमांड की गई है, उसको फिर डिमांड को अपने ध्यान में रखते हुए आप प्रॉपर जो भी आपके लिए जो है हम कहते हैं कि उसका जो भी फॉर्मूला हो सकता है वो फॉर्मूला राइट करते हैं और उसके बाद उसका जो है आंसर सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से देखने भी हमारे पास क्या कुछ गिवन है, गिवन में हमारे पास कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजिशन, ये हमें देखना है। जैसे कि H2 हमारे पास है, कंसेंट्रेशन ऑफ H2 ये हमारे पास कितनी गिवन है, 0.05 मोल पर DNQ मोल पर DNQ, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास सेकेंडली है आयोडीन की कंसेंट्रेशन, ठीक है, और आयोडीन की कंसेंट्रेशन हमारे पास कितनी गिवन है भाई, ये हमारे पास है इट्स अराउंड 0.06 मोल पर DNQ, ठीक है। अच्छा इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन भी गिवन है, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, और इसकी कंसेंट्रेशन जो हमारे पास गिवन है वो है 0.49 मोल पर DNQ, ठीक हो गया। ये कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की हमारे पास गिवन है, हमने इनके थ्रू क्या करना है भाई, इनके थ्रू हमने केसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या है भाई, देखिए जरा, हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं विद आयोडीन, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म टू हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल,
ठीक है जी, ये बनाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आप बात करते हो केसी की, देखो आपको आपसे कहा गया है कि आपने केसी एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने नहीं, केसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो केसी की वैल्यू की जहां तक बात है, ठीक है, वो हम कहते हैं कि भी हमारे पास क्या होगा, केसी की एक्सप्रेशन हमारे पास इसके लिए क्या होगा भाई, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आएगी, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारे पास ऊपर आएगी डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे आ जाएगी। ठीक है भाई, अब इसमें आपने करना क्या है कि इनकी कंसेंट्रेशन को पुट करना है ताकि आपके पास रिजल्ट जो है वो आ सके। सो आप इनकी कंसेंट्रेशन को पुट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसेंट्रेशन हमारे पास है 0.49। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोजन की जो हमारे पास कंसेंट्रेशन गिवन है वो है 0.05। इस तरीके से हमारे पास जो है कंसेंट्रेशन किसी की भी दूसरा जो रिएक्टेंट हमारे पास है वो यहाँ पर मौजूद है वो है 0.06। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टेयर भी है तो उसके लिए मेंशन करेंगे 0.06। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करते हुए आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा विच विल बी अराउंड, ठीक है, ये हमारे पास बनता है 80। ठीक है, सो केसी वैल्यू हमारे पास फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर जो अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट थी, ठीक है, वो हमारे पास बनती है केसी इज इक्वल टू 80। ठीक है, 80 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, इट्स द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, जो कि हमने इसको फाइंड आउट किया है। ठीक है, मुझे बताएं यहां तक कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, किस तरह की कोई बात बता दे, कोई फेडरल बोर्ड की बुक से बता दे ये किधर है। फातिमा, जो आप लोग इस पर देख रहे हैं यानी जहां पर आप लोगों ने लॉ जो है वो क्या कहते हैं भाई, सिंपल हमारे पास लॉ ऑफ मास जो हमारे पास था भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है बेसिक कॉपी हमने देखा था, देखिए मैं भूल गया था भाई कि क्या हम कर रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है जी, वो जहां पर आपने देखा जिस पेज पर आपने देखा, ठीक है, उसी की बात करें जो मैंने आपको 1.9 बता भी दिया कि भाई जो भी आप लोगों का जो है इस पर कंसल्टेड क्या कहते हैं पॉइंट है ये, बताएं कोई कंफ्यूजन हो तो। सर केसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नॉट ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का बता दें। देखो मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर पे जरूर डिपेंड करता है, बिल्कुल हम ये बात जानते हैं कि टेम्परेचर के वेरी करने से, ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास क्या कहते हैं ना इक्विलिब्रियम कंडीशन है या इक्विलिब्रियम जो हमारे पास है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक हो गया, तो डिस्टर्ब होने की वजह से ये केसी वैल्यू भी जो है वो क्या करेगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जहां तक इनिशियल या फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बात है तो देखो इक्विलिब्रियम में तो डेवलप होना ही है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम जब डेवलप होगा, ठीक है, तो वो कंसेंट्रेशन पे कभी भी डिपेंड नहीं कर रहा होता। जी सर, ये न्यूमेरिकल पंजाब बोर्ड के पेपर में आएगा। सिद्धार्थ, मैं आपको बताऊं कि चांसेस कम होते हैं लेकिन हमें हर चीज देखनी चाहिए, कोई चीज छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सेफ जोन में जाना चाहिए। सर क्या हम बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा। सर 80 के साथ कोई यूनिट, देखो मैं आपको बताऊं, हमने कल भी बात डिस्कस की थी, जब भी हमारे पास प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाते हैं, सो इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिट नहीं होता। देखो यहां पर भी हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब बेस टू पार्ट टू है, नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब बेस टू पार्ट टू होगा, तो कैंसिल आउट होने के बाद कोई यूनिट नहीं आएगा केसी के साथ। ठीक है भाई, सर ये प्रॉब्लम पेपर में आएंगे, चांसेस कम होते हैं लेकिन हम कर लें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। 0.49 के साथ साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब बाय मल्टीप्लाई करने का कौन सा वाला 2 है भाई, 0.4 के साथ नहीं, 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। सर ओनली टू अ सर्टेन टेम्परेचर मेक स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है, इंक्रीज इट्स रेट, राइट, बिल्कुल टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि स्केयर में चला जाएगा, बिल्कुल सही कहा मजीहा परवा ने। ठीक है, वैसे तो आप ये हमारे पास प्रॉब्लम है 9.1 जिसकी स्टेटमेंट थी कि आपको जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन प्रोवाइड कर दी गई है और आपसे डिमांड की गई थी, आपने करना क्या है, आपसे डिमांड ये की गई थी कि आप इन कंसेंट्रेशन को यूटिलाइज करते हुए केसी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब वो केसी एक्सप्रेशन कैसे आप लिखते हैं, आप ये बात जानते हैं, ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। ठीक है, तो रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन के लिए आप जो है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर ऐड करते हैं, अब क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 2 है आप जानते हैं जो कोफिशिएंट होता है वो रेस टू पावर में चला जाता है, तो आप पावर ऐड करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे आएगा, इनकी जो भी गिवन हमारे पास कंसेंट्रेशन थी जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसके अंदर, ठीक है, उसको आप मेंशन करते हैं, उसको आप पुट करते हैं इस फॉर्मूला के अंदर,
और अल्टीमेटली सॉल्व करते हैं। और कल हमने ये चीज देखा भी था, कल इसको हमने जो है प्रैक्टिस भी किया था कि जब भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाए तो इस केस में हमारे पास जो किसी एक्सप्रेशन आता है उसके यूनिट नहीं होते। और रीजन क्या है, देखो ये दो मोल है प्रोडक्ट, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्टेंट की जहां तक बात है तो एक मोल ये है एक मोल ये, कलेक्टिवली तौर पर फ्रैक्टेंट की अमाउंट हमारे पास दो है, ठीक है। अच्छा जी, अभी यहां तक क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन यहां तक, कुछ पूछना आप लोग जल्दी से पूछेंगे तो हम आगे चलते हैं। कल वाले टॉपिक से सिर्फ आपने ये देखा था कि किस तरह के रिएक्शन जो हैं, ठीक है, इनके लिए हमारे पास केसी यूनिट आता है, किस तरह के रिएक्शन के लिए नहीं आता। जल्दी से टाइम मुझे सुबह, आज तो हम वो कर रहे हैं ना भाई, आज तो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, आज तो हम जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें तो कुछ बात नहीं होता ना, ठीक है। नो कंफ्यूजन सर, इसमें टेम्परेचर का क्या रोल है, देखो टेम्परेचर का रोल इस तरह से होता है कि जब आप रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उस केस में हम ये बात कहते हैं कि टेम्परेचर वेरी इफेक्ट करता है किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, बाकी कोई खास इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। चलिए अभी 9.2 हम करेंगे जल्दी से, अच्छा जी। नेक्स्ट वन हमारे पास है 9.2, प्रॉब्लम नंबर 9.2 है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है जी, 9.2 की हमने बात करनी है, अगर इसकी स्टेटमेंट जरा पहले हम पढ़ लें फिर हम आगे चलते हैं। ईमान सर ने अभी तो यूनिट की फाइन की है, अच्छा अभी यूनिट बिल्कुल हमने कल किया था, और यूनिट जो है, ठीक है, उस बारे से मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो तो यूनिट हमारे पास नहीं होते इसके, ठीक है। 9.2 पढ़ूंगा, 9.2 मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, आपने करना यह है कि आपने 9.3 जो है खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। 9. बल्कि इस तरह कहते हैं कि 9.2 बिल्कुल सिमिलर है इस 9.1 के वाले, 9.2 और 9.1 बिल्कुल सिमिलर है, 9.3 जो है इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है, तो मैं ऐसे करता हूं कि मैं फिर आप लोगों के लिए 9.3 सॉल्व कर देता हूं, 9.2 आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, वो बहुत सिंपल भी है और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी आप लोगों ने ऊपर ये 9.1 जो है वो सॉल्व किया था, तो 9.3 मैं इसको आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं और इसके बाद फिर जो है हम चलेंगे टूवर्ड्स गिवन डेटा और उसके बाद क्या फाइंड करना है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखो, फॉर रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज 0.13, यानी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट यानी Kc की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है, इसके अंदर और क्या आपको प्रोवाइड किया गया है, इस तरीके से है भी कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2 आर जो दी है आपको प्रोवाइड की गई है रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ठीक है, यानी आपको जो गिवन डेटा प्रोवाइड किया गया है वो क्या है, सबसे पहले तो आपको केसी की वैल्यू प्रोवाइड की गई है यानी कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू प्रोवाइड की गई है और वो कितनी हमारे पास है यहाँ पर 0.13 मोल पर मोल BnQ, 0.13, ठीक है जी, हमारे पास 0.13 पर मोल BnQ, ये हमारे पास आगे भी केसी वैल्यू। अब हमारे पास कुछ रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन है, प्रोडक्ट की अमाउंट भी कहा गया कि हम कैलकुलेट कर लें, PCl3 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कितनी कंसेंट्रेशन है, इसकी जो कंसंट्रेशन हमें गिवन है वो बेसिक टॉपिक हमारे पास है 10 और Cl2 की कंसंट्रेशन की जहां तक बात है हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा क्या भाई, ये हमारे पास है 9, ठीक है 9, इसकी हमारे पास यूनिट होंगे मोल पर DnQ और इसके यूनिट भी हमारे पास है मोल पर DnQ, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब जो आपसे डिमांड की गई है वो है PCl5 की कंसंट्रेशन आपको कहा गया कि आप फाइंड कर दें। PCl3 हमारे पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, PCl5 हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ठीक है,
और ये बेसिक टॉपिक हमारे पास कंपाउंड्स हैं, हम उनका रिएक्शन राइट करेंगे और फिर हम देख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने इसको हमने फाइंड आउट करना है, इसको हमने निकालना है, ये हमारे पास इसका टारगेट है, हमें जो दिया गया है कि आप इसको जो है फाइंड आउट करें, ठीक हो गया। अब देखो सबसे पहले तो आपने करना ये है कि आपको रिएक्शन का पता होना चाहिए, कैसे आप जो है इस रिएक्शन को राइट करेंगे। PCl3 जो है, ठीक है, इसमें आप क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं और इसके एडिशन की वजह से क्या होता है, फाइनली तो आपके PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की फॉर्मेशन जो है वो होती है, ठीक हो गया। अब जहां तक बात है किस चीज की भाई, जहां तक इस रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, इसकी बात है, तो अब होगा क्या कि इसके लिए हम सबसे पहले तो Kc एक्सप्रेशन राइट करेंगे, क्योंकि जब भी रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं somehow कुछ टाइम के बाद इसमें जो है वो इक्विलिब्रियम गेन होता है, तो इस इक्विलिब्रियम के ऊपर Kc एक्सप्रेशन को हम राइट करेंगे, इसके लिए फिर आगे चलेंगे। Kc एक्सप्रेशन इसके लिए क्या होगा, Kc एक्सप्रेशन इसके लिए होगा कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ठीक है डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक हो गया। अब जस्ट हमने इसमें करना क्या था, इसमें हमने जस्ट वैल्यूज को इंसर्ट करना है और इनके वैल्यूज को इंसर्ट करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। डिमांड क्या है हमारे पास, PCl5 की है डिमांड हमारे पास, क्या है भी PCl5 जो है PCl5 की बेसिक तौर पे हमारे पास इसके अंदर डिमांड है और ये हमारे पास रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन भी गिवन है और Kc वैल्यू जो है ये भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। जी सो आप लोगों को मैंने एक दरमियान में एक सरप्राइज दिया था, जैसे मैंने शुरू में एक इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को, इंट्रोडक्शन क्या था भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को मैं कुछ आपकी यूनिवर्स के हवाले से कुछ आप लोगों को आइडिया प्रोवाइड करूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग सी जो है वो हम कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखूंगा और बेस्ट वे जो है ना, ठीक है, किसी भी एक बड़े बिगर आइडिया को आपसे शेयर करने का जो बेस्ट वे है वो है थ्रू एनिमेशन, ठीक है। और उस एनिमेशन में कमाल की वीडियो जो है वो कहते हैं ना ऑडियो सेट है उसके पीछे, ठीक है, म्यूजिक बड़ा कमाल का सेट हुआ है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको बड़ा एंजॉय किया होगा। अब हम वापस आ चुके हैं, अगर आपको अच्छी लगी तो आपने इसको बताना है ताकि हम इस तरह की मजे की इंटरेस्टिंग सी वीडियोस आप लोगों को दिखाते रहे। क्या आप एग्री करते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपको दिखानी चाहिए? एक क्वेश्चन यहाँ ये रेज हुआ था कि क्या ये जो वीडियो है वो साइंस से या हमसे रिलेट करती है? बिल्कुल करती है यार, साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है, एक वो इंसान कि जो हम कहते हैं कि जो हाँ जो जो है यूनिवर्स यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, इसको परखे, ठीक है, इसकी इसकी जांच का ही करे, ठीक है, इससे मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो हासिल करे, ठीक है, इसको हम कहते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। सो अगर आप लोग साइंस दान बनना चाहते हैं, अगर आप साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को इन तमाम चीजों को परखना है, इन तमाम चीजों पर गौर और फिक्र करनी है भाई, ठीक है। इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप सिर्फ जो है वो बुक्स को पढ़ते रहे रटते रहे, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट करें कि मैं साइंटिस्ट बन चुका हूं, कभी नहीं होता। साइंटिस्ट का मतलब है क्रिएटिव माइंड वाला एक बंदा, ठीक है, एक क्रिएटिव माइंड वाला बंदा जिसके जहन में बहुत सी जो है आइडियाज आते हैं, वो यूनिवर्स को बहुत अच्छे से जो है वो समझता है परखता है और उसके मुतालिक फिर वो अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो ये तमाम चीजें जी 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 बताएं जी नादिका बता दें शाबाश जल्दी से। अच्छा जी जल्दी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब देखो हम आएंगे दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ, वापिस से जो है अपने टॉपिक को वहीं से लेके चलेंगे और आप लोगों का आज टेस्ट भी है, तो इस तरह कहते हैं कि पहले आप लोग टेस्ट है, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है सही समझ आ गई, ठीक है। सो आज आप लोगों का ये जो एक एक्टिविटी टाइम रखी थी, मैंने एक वीडियो रखी हुई थी, वो बेसिक तौर पे आपकी थी, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह टेस्ट लेंगे, लेकिन आज टेस्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आज हमने ये करने थे ना 9.1 9.2 करना था, तो इसमें से अगर मैं कोई एमसीक्यू बनाता था तो आप लोग अटेंड बड़े मुश्किल से करते, तो इसको पूरा कर लेते हैं। भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, अभी आ जाता हूँ मैं आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा तो देखो हमारे पास जो इस वक्त चल रहा था, सर आप आए ही नहीं, आ जाता हूँ अभी आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं है, वीडियो आ जाती है अभी आप लोगों के पास, ठीक है। देखें सो मैं आप लोगों से बात कह रहा था, 9.3 हम कर रहे थे और हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन, ठीक है जी, ये गिवन थी, Kc वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी, हमें क्या करना था भाई, हमें जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी अमाउंट को कैलकुलेट करना था, ठीक है। अब देखो Kc वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास है 0.13, इसके यूनिट हमारे पास है जी पर मोल,
पर मोल, ठीक है, और इस तरीके से डीएम क्यूब, ठीक हो गया। और हमें प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करना है, पीसीएल फाइव और रिएक्टेंट हमारे पास जो है इनकी कंसेंट्रेशन गिवन है, तो आप लिख लें, ये हमारे पास है भाई 10 और ये हमारे पास है 9, ठीक हो गया। अब देखो ये चीजें जो है आपको गिवन है, ये आपने फाइंड करनी है, ठीक है। आप करेंगे क्या, सिंपली इन चीजों को वहां जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको आपने वहां जाके सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा, 0.13 पर मोल डीएम क्यूब इंटू 10, इसके यूनिट हमारे पास क्या है भाई, मोल पर डीएम क्यूब इंटू 9 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ पीसीएल फाइव, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इनके मल्टीप्लीकेशन के थ्रू आप पीसीएल फाइव की कंसेंट्रेशन को निकाल सकते हैं। पीसीएल फाइव एक कंपाउंड है, नॉट पीसीएल, पीसीएल नहीं है ये, पीसीएल फाइव इट्स फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक हो गया। अब ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कुछ यूनिट्स की जो है कैंसिलेशन हो रही होती है, पर मोल इस मोल से कैंसिल ऑफ हो जाएगा, डीएम क्यूब इस पर डीएम क्यूब से कैंसिल ऑफ हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के थ्रू जो आप कंसेंट्रेशन निकालते हैं ना पीसीएल फाइव की, ठीक है, ये बनती है अराउंड 11.7, ठीक है जी, मोल पर डीएम क्यूब इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ पीसीएल फाइव, ये हमारे पास आ गया। तो इतना सा हमारे पास, इतना आसान सा ये क्वेश्चन था। मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, तो बता दें, बताएं जल्दी से, शाबाश, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो बता दें, नहीं है तो क्लियर मेंशन कीजिएगा ताकि हम फिर फॉरवर्ड मूव कर सकें, कुछ नई बातें कर सकें भी, कुछ नए आइडियाज को हम परख सकें। जल्दी से आपने मुझे बताना है सर, रीसेंट लेक्चर्स भाई, रीसेंट लेक्चर्स कौन से लेक्चर्स पूछ रहे हैं आप, रीसेंट लेक्चर्स पर कहां से मिलेंगे, तो आपने रेड स्पॉट जो है ना ऊपर जो है, ठीक है, उसको आपने क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे टेबल में, डेट वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे। मोल पर मोल डीएम क्यूब क्यों लिखा है आंसर के साथ, देखो ये आंसर के साथ मोल पर डीएम क्यूब लिखा है, इट्स नॉट पर मोल डीएम क्यूब, केसी के जो हमारे पास वैल्यू थी इसके यूनिट थे पर मोल डीएम क्यूब, ठीक है, आप उसको क्या करते हो, उसको आप कैंसिल आउट करते हो किसके साथ, देखो इसी क्वेश्चन में आपको पर मोल डीएम क्यूब भी दिया हुआ है, मोल पर डीएम क्यूब भी दिया हुआ है, इसको आप कैंसिल आउट कर देते हो, पीछे आपके पास कुछ रह जाएगा, वो सिर्फ एक मोल पर डीएम क्यूब रह जाएगा, ये यूनिट है आपके पास जो है फाइनल कंसेंट्रेशन के। सर इसका नेम बोर्ड पर राइट कर दे, मैं भी कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है जी। कोई और मसला हो तो बता दें सर जी, 9.2 कैलकुलेटर पर आसानी से नहीं आ रहा, क्यूबिक क्यों नहीं आ रहा सर, इन कंपाउंड्स का नेम बता दें, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सर मोल डीएम क्यूब कैसे आया आंसर में, देखो मैंने आपको बताया ना कि इसका यूनिट था पर मोल डीएम क्यूब, इसका यूनिट था मोल पर डीएम क्यूब, तो डीएम क्यूब पर डीएम क्यूब, डीएम क्यूब से कैंसिल आउट हो गया, पर मोल मोल से कैंसिल आउट हो गया, पीछे हमारे पास जो यूनिट बचता है वो मोल पर डीएम क्यूब है, सिर्फ ये रह गया नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का, हमारा रिजल्ट आया है, ठीक है। सर हमारे पास इस चैट में एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि अगर आपने एक मैसेज लिखना है तो अगला मैसेज 5 सेकंड बाद लिख सकते हैं। अरे भाई इसकी क्या जरूरत, कैसी क्या बनती है, लॉजिक क्या बनती है, बताना मुझे आपने कि रीजन क्या बनती है, क्यों ऐसा आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं, इससे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, ये भी बताना आपने मुझे, ठीक है। अच्छा अब आपने कहा कि जी मैं कंपाउंड की नेम राइट कर दूं, तो वो नेम राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, इसको रेज करते हुए। सर आपने जो है -1 और को 1 कैंसिल क्यों किया, देखो देखो मोल रेज टू पावर -1 का मतलब क्या होता है, इट्स 1 ओवर मोल, ठीक है, और ये हमारे पास सिंपल मोल था तो ये मोल है, अब इसको तो इससे कैंसिल आप कर सकता हूँ, ये तो मैंने लिखा है, ठीक है। अच्छा अब आप कह रहे थे कि भाई इन कंपाउंड का नेम, तो कंपाउंड का नेम राइट कर देते हैं और वो क्या होगा हमारे पास, एक है PCl3, इसको हम कहते हैं फॉस्फोरस, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड नेम थे। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और अच्छे से समझ आई होंगी। अब आपसे कल मुलाकात होगी, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।